Mr. Nikhil, please come on the stage. I request you to come on the stage right now. तो निखिल ने स्पॉन्सर देके मुगैम्बो की हेल्प की है कॉन्सर्ट करने में। एक बार ये शो हो जाए फिर इस निखिल की खबर लेता हूँ। पर ये स्टेज पे क्यों नहीं आ रहा? आई नो तुम निखिल हो, पर अब तुम्हें स्टेज पर जाना ही पड़ेगा। मिस्टर निखिल, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप प्लीज स्टेज पे आइए ना। अभी के फैंस बहुत बेताब है उसकी आखिरी परफॉर्मेंस के लिए, और जब तक तुम स्टेज पे नहीं आओगे ना तो वो परफॉर्मेंस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप फैंस का टाइम मत वेस्ट करिए। क्यों भाई, प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर निखिल। क्या हो रहा है? इतना अच्छा मौका हाथ से निकलता नजर आ रहा है। अभी की लास्ट परफॉर्मेंस बची है। ये पूरब निखिल को स्टेज पर थैंक्स करने के लिए क्यों बुला रहा है? आप चिंता मत कीजिए, हमारी प्रक्रिया जरूर कामयाब हुई। प्लीज जरा वॉशरूम होके आके। गाइस, I'm really sorry यार, मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई, एंड मिस्टर निखिल किसी और काम में ज्यादा बिजी है और वो स्टेज पे आ नहीं पाएंगे। I'm really sorry guys। क्या दीका शक सही निकला कि मैं कोई और नहीं बल्कि निखिल ही, और तभी वो ऊपर नहीं आ रहा? इसका मतलब खेली तनु के बच्चे का असली बाप है, पर वो कैसे? हो सकता है बुरके वाला आदमी नीचे है तो निखिल लो ऊपर कैसे? I can't believe this। बुरके में तो निखिल था, फिर वो ऊपर कैसे आ गया? हेलो, मोबाइल ऊपर ही भूल गई, आती हूँ अभी। थैंक्स पूरब, थैंक्स सो मच फॉर द ऑनर। लेट्स हैव इट फॉर मिस्टर पूरब। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने सबसे अजीज दोस्त पूरब का। थैंक्स बडी फॉर द रिस्पेक्ट, आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच कि आप लोग यहां पर आए। ये शो अभी द रॉक स्टार के बिना हो नहीं पाता, लेकिन ये शो आप लोगों की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सो गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ। और हाँ दोस्त, अब जैसे कि मेरे दोस्त पूरब ने कहा, इस कॉन्सर्ट का रिस्पांस देखकर मैंने डिसाइड किया है कि आगे भी ऐसे ही कॉन्सर्ट आप लोगों के लिए मैं स्पॉन्सर करता रहूंगा। ओनली फॉर यू। लेडी सैंडल, मतलब ये वाकई कोई लड़की है? ऐसा कैसे हो सकता है? आई
अगर बुरके में निखिल नहीं था तो वो कौन था जिसे मैंने देखा? ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। निखिल वहां क्या, जब पूरब ने तुम्हारा नाम लिया तो मेरी तो जान ही चली गई थी। तुम उससे मुझे समझ भी नहीं रहा, उसने अचानक तुम्हारा नाम अनाउंस कैसे किया? अचानक नहीं, मैंने इस शो के लिए कुछ स्पॉन्सर्स दिए थे उन्हें, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे थैंक करने के लिए वो स्टेज पर बुलाएगा, पब्लिक मीडिया के सामने मुझे इतना इंपॉर्टेंस देगा, तारीफ करेगा। वो सब कुछ तो ठीक है, पर तुम तो VIP एरिया में बैठे थे ना गार्ड्स के साथ, फिर तुम अचानक स्टेज पर कैसे, वो भी इतनी जल्दी चेंज करके? और एक मिनट, तुम जब स्टेज पर थे तब वहाँ पे और कोई भी बुरखे में था, वो कौन था? आई हैव नो आईडिया, पर हमारे काम आया जरूर। कैसे? तनु, जब गार्ड्स मुझे वहाँ VIP एरिया में एस्कॉर्ट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे अभी के फैमिली के साथ बैठने के लिए कहा, फिर मुझे वहाँ मुझसे थोड़ा दूर एक और औरत बुरखे में नजर आई, बस फायदा उठाया मौके का। मैंने इशारा किया गार्ड्स को कि मैं अपनी बहन के साथ बैठना चाहता हूँ, मौका देखते ही वहाँ से खिसक गया। अभी भाग ही रहा था कि मैंने पूरब की अनाउंसमेंट सुनी, क्या करता, जानता था कि मुझे स्टेज पर तो आना ही है, मौका देखते ही बुरखा निकाला और फेंक दिया, स्टेज पर पहुंच गया। चलो जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, पर अच्छा हुआ, मींस हमारी लक हमारे साथ है, दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई और दोनों से हम बाहर निकल गए। आई जस्ट होप कि आगे भी हमारी लक ऐसे ही हमारे साथ हो और ब्लैक मिरर का किस्सा आज ही खत्म कर दें हम। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। अभी का फोन है, मुझे उससे मिलने जाना था, पर मैं भी क्या करूं, मेरी किस्मत जब भी मिलने जाना चाहती हूँ कोई ना कोई काम आ जाता है, क्या करूं, वो बहुत गुस्से में होगा, क्या कहूं उसे? रिलैक्स, उठाओ बात तो करो उसके साथ। हेलो अभी, चाहती क्या हो तुम? सॉरी अभी, वो मैं बहाने मत सुनो, जिस शर्मी क्यों कर रही हो तुम ऐसा, तुम मुझे प्रज्ञा के सामने हराना चाहती हो, मुझे नीचा दिखाना चाहती हो, तुम जानती हो उससे मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ने के लिए वो अनाउंसमेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम चाहती नहीं ना कि मैं वो अनाउंसमेंट करूँ, तुम चाहती नहीं कि मैं उसे डिवोर्स लूँ। अभी मैं ऐसा नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो? बार बार बोलती हो कि तुम आने वाली हो, मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार करो और तुम आती नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है कि आई एम अ फूल? नहीं अभी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। तुम मेरे साथ थी लेकिन अब मैं अकेला हूँ, और अगर ऐसी बात है ना तो भाड़ में गया डिवोर्स और भाड़ में गई शादी, क्योंकि तुम जानती हो कि अनाउंसमेंट के बिना प्रज्ञा डिवोर्स नहीं देने वाली। नहीं नहीं अभी नहीं, मेरा कोई जरूरी काम नहीं है, I'm sorry, just tell me where are you, मैं 2 मिनट में वहाँ पे आ रही हूँ, अभी trust me, मैं पक्का आ रही हूँ। ठीक है, अगर 5 मिनट के अंदर तुम स्टेज के पास नहीं आई तो मैं खुद तुमसे शादी नहीं करूँगा। क्या हुआ? क्या अभी कह रहा था कि अगर मैं 5 मिनट में वहाँ पे नहीं गई तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। हाँ तो सोच क्या रही है, जाओ। हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा, मैं कम करती, मैं अभी के पास जाती हूँ, तो तुम पार्किंग एरिया में जाओ। मुझे वैसे भी प्रज्ञा ने कहा है कि उसे ब्लैकमेलर का फोन आएगा तो मुझे बताएगी, मुझे पता चलती मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं फिलहाल जा रही हूँ। ओके तनु, पर चेहरा, अपना चेहरा, रिलैक्स। ओके हाँ। एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो बुरके वाला आदमी निखिल? क्योंकि पूरब, मैंने दरअसल वहाँ पर, दादी आप यहाँ क्या कर रही, माँ के साथ कौन है? माँ की चिंता मत कर, क्रू का एक बंदा उनके पास बिठा के आई हूँ, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। दी आपने बताया नहीं, को कैसे पता चला कि वो निखिल? दरअसल तनु को एक आदमी के साथ देखा था मैंने, जिसने बुरखा पहन रखा था, कुछ देर के लिए उसका नकाब हटा तो मुझे लगा मैंने निखिल की शक्ल देखी, लेकिन अगर वो निखिल होता तो वो स्टेज पे नहीं आता, क्यों, वो तो स्टेज पे आ गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सच क्या है, जो मैंने देखा वो सच है या जो हुआ वो सच है। मेरा मतलब है, एक वक्त पर एक इंसान दो जगह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, हो सकता तूने ठीक से देखा ना हो उसे, मुझे भी लगता है वो निखिल कैसे हो सकता है, तनु के साथ निखिल का चक्कर नहीं हो सकता। तुझे याद है ना, निखिल ने खुद कहा था उसकी एक गर्लफ्रेंड है,
जिससे वो जल्द शादी करना चाहता है। क्या करें, प्लान चेंज करें? नहीं दादी, प्लान चेंज नहीं करें। इतना तो पक्का है कि तनु अब वैनिटी में कोई डील नहीं करें। बस हमें कोई और जगह ढूंढनी है जहाँ पे डील हो सके, और जहाँ तक मुझे लगता है तनु कॉन्सर्ट एरिया के बाहर ही डील करे। नहीं पूरा, मेरी बात हुई तनु से, उसने कहा कि वो ब्लैकमेलर से पार्किंग एरिया में मिलना चाहती है। लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा कि मैं ब्लैकमेलर से बात करके फिर जगह फाइनल करूंगी। ठीक है नादी, मैं काम करता हूँ, मैं पार्किंग एरिया में जाता हूँ और कोई सूटेबल जगह ढूंढता हूँ। मैं आपको वो जगह बता दूंगा और आप तनु को बता देना, वो वहीं पे आ जाएगी। मैं चलता हूँ। माँ, 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 आंखें खोलिए, रोनी पानी लेकर आओ। माँ प्लीज प्लीज आंखें खोलिए। माँ क्या हो गया? एक मिनट पहले बिल्कुल ठीक थी। माँ अब ठीक है? पानी पीजिए, प्लीज पानी पीजिए। चला जी, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी जल्दी बेटा जल्दी। दादी ये स्ट्रेस माँ के लिए ठीक नहीं, माँ को घर भेजना पड़ेगा। चलो आप ठीक है ना माँ? चलो जल्दी रोनी। तो ये है वो म्यूजिक सिस्टम जिसके थ्रू भाई का म्यूजिक उनके फैंस तक पहुंच रहा है। अगर यही ना रहा तो ना होगा म्यूजिक, ना होगा शो। आसपास कोई सिक्योरिटी भी नहीं, तो मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। बस मुझे इस म्यूजिक वाले से अपनी तरीके से निपटना होगा। अरे मैडम क्या हुआ? चक पानी। वहां बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। इसकी ऐसी हालत कर दूंगी कि कोई ठीक भी नहीं कर पाएगा। और अब भाई की हालत भी इस म्यूजिक सिस्टम की हालत जैसी हो जाएगी। आपकी आखिरी परफॉर्मेंस होगी भाई, और इतनी घटिया होगी कि ये आपकी लाइफ की आखिरी परफॉर्मेंस बन जाएगी। इसके बाद आप कोई शो नहीं कर पाएंगे। कामयाबी की ऊंचाइयां बहुत देख ली, अब बर्बादी का स्वाद चखने के लिए थोड़ा जमीन पे भी आ जाओ। यहां से आपका डाउनफॉल शुरू, मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा। जॉर्ज, कौन है आप? और ये आप सिस्टम के साथ क्या छिड़खानी कर रहे हैं? मैंने कुछ पूछा है आपसे, जवाब दीजिए मेरी बात का। आप है कौन? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला है? अब आकाश क्या हुआ? पता नहीं भाभी कौन है और कहां से अंदर चली आई और सिस्टम के साथ कुछ छिड़खानी कर रही है। पर ये है कौन? पता नहीं भाभी, इतनी देर से पूछना जवाब ही नहीं दे रही कि है कौन ये। आप एक काम करिए, इनका चेहरा मैं तो नहीं देख सकता हूँ, जरा बुरखा उठाइए और आप देखिए कि है कौन। सुनिए मोहतरमा, मुझे आपकी शक्ल का दीदार करना है। आप अपना बुरखा हटाने की जहमत फरमाएंगी या मैं आपका बुरखा हटाने की जहमत करूं? अरे मोहतरमा, मैंने इतनी शुद्ध उर्दू में आपसे सवाल किया और आप इशारों में जवाब दे रही हैं। देखिए आप अपना बुरखा हटाइए, नहीं तो मैं आपका बुरखा हटाऊंगी। फिर अभी ऐसे नहीं मानेगी आप, देखिए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आपका बुरखा हटा रही हूँ।
क्या हुआ भाभी? कौन है ये? वो क्या बोलिए ना, कौन है ये? आलिया। आलिया? आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ वहाँ नॉइज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, खर खर करके आवाज आ रही थी, ऑडियंस भी कंप्लेन कर रही थी कि म्यूजिक सही तरीके से सब तक नहीं पहुंच रहा है। आकर देखा तो कुछ वायर्स वगैरह निकली हुई हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है आकाश ही कोई जानबूझकर भाई का कॉन्सर्ट खराब करना चाहता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई। क्या कहा? ठीक करना है। आज तक तो मैंने तुम्हारे हाथों चीजों को बिगड़ते हुए देखा है, ठीक होते हुए पहली बार सुन रही हूँ, देखा नहीं। You're right, भाभी। आलिया देखो, बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। नॉइज की प्रॉब्लम, सिस्टम का खराब होना, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, बट तुम्हें क्यों पता चला? मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये जो बोल रही है कि म्यूजिक सिस्टम खराब है, वो वाकई है या ये ऐसे ही बोल रही है? मैं सही में बोल रही हूँ, यहाँ पर सच में प्रॉब्लम थी। वेट, मैं चेक करवाता हूँ। जॉर्ज, फटाफट ये चेक कर बताओ सामने प्रॉब्लम है क्या। हाँ सर, इसमें कुछ वायरस निकली पड़ी हैं। ऐसे कैसे निकली पड़ी हैं? और तुम थे कहाँ? देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। आलिया, नॉइज की प्रॉब्लम तो ठीक है, बट मुझे पहले ये बताओ तुम बुरके में क्यों? क्योंकि मैं भाई का कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहती थी, और मैं नहीं चाहती थी कि फैमिली मेंबर्स को पता चले कि मैं यहाँ पर भाई का कॉन्सर्ट अटेंड करने आई। आफ्टर ऑल जो कुछ हुआ है उसके बाद आप सब लोगों की नजर में मेरी इमेज कैसी है ये तो हम सब जानते ही। और जब मुझे पता चला कि नॉइस का कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने सोचा कि कोई और ठीक नहीं कर रहा है तो कम से कम मुझे करना चाहिए, आफ्टर ऑल मेरे भाई का कॉन्सर्ट है। बट यू नो व्हाट, गलती हो गई, सॉरी आकाश, आना नहीं चाहिए था, बिकॉज जो भी कहो सब लोगों को यही लगेगा कि मैंने ये चीजें खराब की, और जो कुछ भी हुआ है ना उसका मुझे क्रेडिट मत देना, मुझे चाहिए भी नहीं, आई डोंट वॉन्ट इट। बस मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से भाई का ये कॉन्सर्ट एक सक्सेस हो, दैट इज ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। एंड प्लीज किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर आई। एक्सक्यूज मी। जैसे मैं तुम्हारा नाम लूंगा तुम स्टेज पर आ जाओ। ये भगवान, ये तो स्टेज की तरफ ही जा रहे हैं, अब क्या करूं? ये स्टेज पे जाते ही तनु को बुला लेंगे और अपनी शादी की बात कह देंगे, अब क्या करूं, कैसे रोकूं? हे भगवान, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए, आज आपने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। दी, अब भगवान खुदा के तो आपकी हेल्प कर नहीं सकते, इसलिए मुझे भेजा है। मेरे पास प्लान है दीदी, मतलब अभी सर को रोकना तो बहुत मुश्किल है और ना ही वो रोकने वाले हैं, लेकिन हाँ हम तनु को स्टेज पे जाने से जरूर रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे रॉनी, वो खुद जाकर वहाँ खड़ी है और वो कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि उसे पता है वो कहीं गई तो ये बहुत गुस्सा हो जाएगी। जानता हूँ दी, लेकिन कोई और भी है जिसकी बात तनु टाल नहीं सकती है। कौन? तो करो, जल्दी करो। वो देख लिया हो तो अब जरा काम की बातें भी कर लें। कौन बात कर रहे हैं? नाम में क्या रखा है मैडम जी? आप बस इतना जान लो कि तुम्हारा नंबर मुझे प्रज्ञा ने दिया है, और प्रज्ञा ने कहा है कि तनु के खिलाफ जो सबूत है उसके बदले पैसे आप मुझे देंगी। हाँ, पैसे मेरे पास है। हाँ तो फिर ठीक है, पार्किंग एरिया में आ जाइए। ओके, ठीक है, मैं वहाँ जाती हूँ। अभी आ जाइए, इसी वक्त। अभी मैं किसी इम्पोर्टेंट काम में हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ वहाँ पे। इम्पोर्टेंट काम?
तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम है तो मैं क्या मोबाइल का सिम कार्ड बेचने आया हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कुछ नहीं, अपना मतलब अपने पास में रखो और अपनी प्रज्ञा मैडम से कह देना कि ये डील में किसी और के साथ करने वाला हूँ। मुझे बस 5 मिनट तो मैं यहाँ से हिल नहीं सकती। अरे 5 मिनट में तो रेट डबल हो जाएगा। पहले 20 लाख रुपए ले रहा था, फिर 40 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके। तुम उसे डायरेक्टली फेस कर पाओगे? तनु को तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन अभी सर को रोक पाना बहुत मुश्किल है। और अभी सर को पता चलेगा कि तनु फिर से वहाँ नहीं है तो वो और गुस्सा होंगे। और दी, ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। प्लीज आप जाइए। प्रज्ञा, मुझे ब्लैकमेलर का फोन आया था। तो जाओ, जाके मैटर खत्म कर दो। और कैसे जाऊं मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ब्लैकमेलर के पास जाऊं या अभी के पास। मुझे अभी ने धमकी दी कि अगर मैं इस बार स्टेज पे नहीं गई तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। और वो ब्लैकमेलर ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं अभी उसके पास नहीं गई तो वो किसी और से डील कर लेगा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो करो। तुम जानती हो क्या ज्यादा जरूरी? इम्पोर्टेंट तो ब्लैकमेलर है, लेकिन अभी पहले से मुझे बहुत गुस्सा है। अगर इस बार भी मैं स्टेज पे नहीं गई तो गुस्सा करेगा। अभी मैं संभाल लेती हूँ, बाद में तुम संभाल जाओ। ओके, मैं ब्लैकमेलर के पास जाती हूँ। तुम प्लीज अभी को संभाल लेना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी।